अगली अहम खबर देखिए, रूसी ड्रोन हमलों से यूक्रेन को बचाने की तैयारी। यूक्रेन को नेटो देगा 100 ड्रोन जैमिंग स्टेशंस। नेटो चीफ स्टोल्टनबर्ग ने किया मदद का ऐलान। रूसी सुसाइड ड्रोन के हमलों से यूक्रेन को भारी नुकसान पहुंचा है। ड्रोन बहुत बड़ी तादाद में और बड़े गेम चेंजर रूस की तरफ से साबित हो रहे हैं, इस बात को भांप लिया गया है। और इसके लिए ये जो जैमिंग स्टेशंस क्या होते हैं शिवाज सर? आपको पता होना चाहिए कि वो एरिया टारगेट है कि जितने भी ड्रोन दुश्मन के हैं उनको जैम किया जाता है। ये पैसिव मीन्स है और एक्टिव मीन में मैं यही बताने की कोशिश करूंगा। जो अभी सिचुएशन चल रही है दिनेश, उसमें दो तीन पहलू बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सच्चाई है, ये लड़ाई लंबी खिंचेगी क्योंकि बहुत हथियार मिल रहे हैं यूक्रेन को, और यूक्रेन को अब स्टेट ऑफ आर्ट वेपन मिले, हाई मार्क मिला है, और बस्तरबंद गाड़ियां, टैंक्स, एयरक्राफ्ट, और उसको एंटी ड्रोन सिस्टम मिल गया। तो ये लड़ाई सोचे कि आगे दो तीन महीने में खत्म हो जाएगी, वो नहीं। मगर इसके अंदर क्या न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल हो सकते हैं, मुझे लगता है ज्यादा टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियार रूस कर सकता है। ये जो ड्रिल दिखाई गई अभी, ये एक साइकोलॉजिकल वार है। ये दोनों तरफ से ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पास काबिलियत और क्षमता क्या है। मगर ये सच्चाई है कि जिस प्रकार से ये लड़ाई जा रही है, ये किस मोड पे जा सकती है, इसका कहना मुश्किल है। ये हथियार इतने, लेकिन बहुत जल्द अड़ी में हम आपको ये बताएंगे, और आशीष उस दिन मेरे साथ होंगे। मैं आपको बताऊंगा किस दिन ये होने वाला है, जब हम बताएंगे एक्चुअली आपको आगे क्या देखने को मिलने वाला है, वॉर में आगे क्या होगा।